देखिए ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, या तो एमसीक्यू में आएगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, या तो वेरी शॉर्ट में आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर इस तरह का एक क्वेश्चन इंशाल्लाह ज़रूर आएगा। ठीक है, सामने है कि यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम फाइंड एस सी एफ निकालना है। ठीक है, अब एस सी एफ निकालने का तरीका क्या होता है, दो नंबर दिए हैं, एस सी एफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, दो नंबर दिए हैं, दोनों में छोटा जो है वो बाहर लिखो, जो बड़ा है वो अंदर लिखो। इन दोनों में कौन छोटा, 135 के 225? 135 हमने बाहर लिखा और 225 अंदर लिखा। ठीक है, समझ में आई बात? अब 135 का टेबल अगर हम टू बार पढ़ते हैं तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, 270 है ना, लाना कितना है 225, तो 135 का टेबल हम वन ही बार पढ़ेंगे, वन बार में कितना आ जाएगा 135, माइनस करेंगे 5 में 5 को 0, 12 में 3 गया 9, 2 में 1 में 1 गया 0। ठीक, अब हम क्या करेंगे इसके बाद देखो हम क्या करेंगे, जो हमारा रिमाइंडर बचा है यहाँ पे ये साइन बना लेंगे डिवाइज़र का और ये अंदर आ जाएगा 135। अब हम किसका टेबल पढ़ते हैं, ये जो 90 हमारा आया है इसका टेबल पढ़ेंगे। अगर 90 का टेबल हम दो बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 180, 9 to the 18 है ना, हमें लाना कितना है तो वन ही बार में ले जाओ, 90 बंदा 90 कितना बचा 5 में से 0 गया 5 बचा, और 13 में से 9 जा नहीं सकता, 13 में 9 गया 4 बचा, 45 बचा ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये जो रिमाइंडर बचता है जब तक कि 0 नहीं हो जाता है तब तक हम सवाल करते रहते हैं, अभी रिमाइंडर 45 बचा है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइज़र बना लेंगे और इसके यहाँ पे जो लिखा है 90 इसको अंदर उतार लेंगे, 45 का टेबल कितनी बार पड़े 90 आ जाए, टू बार में 45 टू दा 90। अब देखिए रिमाइंडर क्या हो गया, 90 में से 90 गया 0, जैसे रिमाइंडर ख़त्म हुआ 0 बचा तो हमारा आंसर आ गया, लेकिन आंसर ये नहीं होगा, आंसर क्या होगा, ये जो लास्ट में डिवाइज़र बचेगा, एच सी एफ हमारा पूछा गया था हमसे, एच सी एफ हमारा क्या आ गया 45। तो क्लियर हो गई बात, तो इस तरह के सवाल दो अगर आएगा तो कैसे करेंगे, छोटे नंबर को बाहर लिखेंगे, बड़े नंबर को अंदर लिखेंगे और जो रिमाइंडर बचेगा उसके बाद डिवाइजर करते जाएंगे रिमाइंडर को और उसके बाद कर देंगे। इसका फॉर्मूला होता है a = bq + r का, ये सुना होगा a = bq + r का, अगर आप इससे करेंगे तो ज़्यादा बेटर है कि ये लिख लिख के। अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या थी, ये डिवाइजर जो डिविडेंड होता है ये a होता है, 225 हमारा ए हो गया, बी जो होता है ये होता है 135 इंटू, यहाँ पे इंटू छुपा होता है, क्यू की वैल्यू जो आंसर आता है वो होती है रिमाइंडर, ये हमारा 90 हो गया। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करें 135 + 90 जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए 225 आ रहा है, 225 इन दोनों को जोड़ोगे। ठीक है, तो यानी कि जब यहाँ तक हमने किया था तो रिमाइंडर हमारा 90 आ रहा था, अब इसमें हमने वाली थ्योरम लगाई तो हमारा ये 125 आ गया, लेकिन ये प्रूविंग है इसकी है ना, लेकिन हमें यहीं पे करना होता है कि जब हम देखेंगे रिमाइंडर यहाँ पे करने के बाद यहाँ देखा रिमाइंडर 0 नहीं है तो हम फिर से इसको करेंगे। अब जो हमारा 90 जो था हम लिखेंगे, जो हमारा 90 था यानी कि जो हमारा रिमाइंडर आया है ये हमारा क्या बन जाएगा डिवाइज़र, रिमाइंडर हमारा क्या बन जाएगा डिवाइज़र यानी बी। तो हम फिर से हमने इसको किया, ये फर्दर इतना लंबा नहीं, बस आप उतना ही वैसे ही कर दिएगा, अगर उतना लंबा करेंगे तो ज़्यादा अच्छे नंबर मिलेंगे, ये पहले आप कर चुके होंगे कि भाई 90 हमारा जो है ये बी की वैल्यू अब 90 हो जाएगी इस केस में। फिर हम यहाँ फॉर्म लगाएंगे a = bq + r, बी की वैल्यू 90 हो गई और 135 जो है हमारी ए की वैल्यू हो जाएगी a = 135, क्योंकि जो रिमाइंडर बचता है, रिमाइंडर जो बचता है वो हमारा डिवाइज़र बन जाता है और जो डिवाइज़र था वो हमारा डिविडेंड बन जाता है ना, ये तुम्हें याद रखना है। ठीक है, फिर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, फिर हमने देखा 0 नहीं आ रही है, ये 90 हो, इसको इतना डिटेल में ना करिएगा, बस सिंपल सा आप एस सी एफ कर दिएगा, उससे नंबर मिल जाएंगे, एस सी एफ सही निकलना चाहिए। ठीक है।